Assalamu alaikum, dear students. I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher. As you know that we had started our second year course in our previous lecture, and in our previous lecture I introduced you about the operating system and the functions of operating system. In the previous lecture mein हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन के मुतालिक पढ़ा था और फिर उसके जो मुख्तलिफ फंक्शंस थे उनको डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस सर अंजाम देते हैं. द टॉपिक ऑफ आवर टूडेज लेक्चर इज़ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस. यानी आज के टॉपिक में आप लोग इस चीज़ के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की दुनिया में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू से लेकर आज तक इस्तेमाल हुए हैं या हो रहे हैं. सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 9. ये आपका टॉपिक है आज का, कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉस, विंडोज, मैकिंटोश ओएस एक्स, ओएस 2 एंड यूनिक्स एंड लिनक्स. यानी आज के टॉपिक में आप इन 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि ये 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की दुनिया में कब इस्तेमाल हुए थे और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या एडवांटेज हासिल है, इसके मुतालिक आप लोग जानने की कोशिश करेंगे. ये जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि जो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास थे उसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास था डॉस, या जिसको आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. क्लियर. दूसरे नंबर पे आपके पास है विंडोज़, ठीक है. इसके मुतालिक भी उस दिन मैंने आपको तफसील से बता दिया था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली एक जो कि कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल होता है, और इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी कि कब ये इस पर काम स्टार्ट हुआ था और कब इसका पहला वर्जन आया था और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है. फिर उसके बाद आपके पास आते हैं मैकिंटोश ओएस एक्स या ओएस 2, ठीक है. ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, और ये ज़्यादातर एप्पल कंपनी की तरफ से जो कंप्यूटर या लैपटॉप मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है. यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एप्पल कंपनी की तरफ से तैयार किए गए कंप्यूटर्स या लैपटॉप पर होता है, बाकी किसी कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है. और लास्ट पे आपके पास है यूनिक्स और लिनक्स. ये भी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, ठीक है. और इसका ज़्यादातर ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो प्रोफेशनल यूज़र्स होते हैं, वो इनका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये बात याद रखें कि आम यूज़र जो है वो अमूमन विंडोज़ का इस्तेमाल करता है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉस के मुतालिक. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. डॉस से क्या बनता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इट वाज डेवलप्ड इन 1970s व्हेन माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस. यानी डॉस जो है ये कब बना था, ये 1970s में बना था जब माइक्रो कंप्यूटर बने थे. उसके साथ ही डॉस सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंप्यूटर की दुनिया में बना था. क्लियर है. इट वाज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल फ्लॉपी डिस्क. अच्छा, इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है. इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये इतना लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि इतना छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि ये सिर्फ पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक फ्लॉपी डिस्क के ऊपर, यानी कि आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते थे, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद है कि इट हैड टेक्स्ट बेस्ड आल्सो नोन एज कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ठीक है. यानी इसको डॉस भी कहा जाता था, इसको टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता था, या इसको आम जबान में कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता था. अच्छा, इसको कमांड लाइन इंटरफेस क्यों कहा जाता है. बेसिकली होता ये था कि
डास में जो भी काम आपको करना पड़ता था वो आप कमांड की मदद से करते थे। 9th में आप लोगों ने इसके मुतालिक पढ़ा था कि डास के अंदर आपके पास दो तरह की कमांड होती थी, एक डास इंटरनल कमांड होती थी, ठीक है, और एक डास एक्सटर्नल कमांड्स आपके पास होती थी। डास इंटरनल कमांड्स वो कमांड्स होती थी जो फ्रीक्वेंटली यानी कि डास इस्तेमाल करता था, और ये डास के साथ ही यानी कि इंस्टॉल हो जाती थी, डास की डायरेक्टरी में मौजूद होती थी। और डास एक्सटर्नल कमांड्स वो कमांड्स होती थी जो यूज़र इस्तेमाल करता था अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास द फॉलोइंग आर सम डास कमांड्स, जैसे कुछ कमांड्स यहाँ पे दी गई हैं, रीनेम फॉर रीनेमिंग अ फाइल, यानी कि ये कमांड हम इस्तेमाल करते थे किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, सीडी फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी कॉल्ड फोल्डर इन विंडोज़, ठीक है, यानी कि विंडोज़ में आप जिस चीज़ को फोल्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है, डास में उस चीज़ को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये कमांड हम इस्तेमाल करते थे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में या एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाने के लिए। उसके बाद आपके पास था DIR, ठीक है, टू डिस्प्ले डायरेक्टरीज इन फाइल्स इन अ डायरेक्टरी, यानी किसी एक फोल्डर के अंदर या किसी एक ड्राइव के अंदर अगर आप जानना चाहते थे कि कितनी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं या कितने फोल्डर्स हैं, तो वो आप इस कमांड की मदद से करते थे। इसी तरह डेल, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये डेल की कमांड जो है ये इस्तेमाल करते थे टू डिलीट वन और मोर फाइल्स, यानी एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कापी, टू कापी फाइल्स फ्रॉम वन ड्राइव डायरेक्टरी टू अनदर, यानी एक ड्राइव डायरेक्टरी से दूसरे ड्राइव या डायरेक्टरी में फोल्डर को या फाइल्स को कॉपी करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती थी। और फॉर्मेट, ये कमांड जो होती थी टू फॉर्मेट अ डिस्क, यानी किसी खास डिस्क को, हार्ड डिस्क को या किसी खास पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। नाउ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डास इज, यानी जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था आपके पास डास का, वो ये था कि इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कमांड्स याद करनी पड़ती थी। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि द यूज़र हैड टू लर्न द बेसिक कमांड्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम इफेक्टिवली, यानी इसमें जो भी काम आपने करना होता था उस काम को पूरा करने के लिए आपको उसकी मुतलका जो कमांड होती थी वो याद करनी पड़ती थी और वो सीखनी पड़ती थी। डास वॉज नॉट अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, इस वजह से चूँकि इसमें आपको तमाम कमांड्स याद करनी पड़ती थी, तो इसको हम यूज़र फ्रेंडली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं मानते, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली से मुराद ये है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आम यूज़र आसानी से चला सके। अब जिस बंदे को डास कमांड याद होती थी वो तो आसानी से इसको इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन एक आम बंदा जिसको डास की कमांड्स का कुछ पता ना हो वो इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डास कमांड्स वर डिफ़िकल्ट टू लर्न मेमोराइज एंड यूज़ फॉर नोवाइस कंप्यूटर्स यूज़र, यानी जो नए यूज़र्स होते थे उनके लिए इन डास कमांड्स को याद करना, सीखना और फिर याद करना और फिर इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद डास हैड बिन सक्सेसफुली यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, यानी कई सालों तक 70 से लेकर 1995 तक ये कामयाबी से मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर, माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर इस्तेमाल होता रहा। बट इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ मोर यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड विंडोज़ इन द अर्ली 1990s, यानी 1990s के स्टार्ट में, तकरीबन 1995 में, जैसे मैंने उसको बताया था उस दिन बताया था आप लोगों को कि डास को रिप्लेस कर दिया गया था विंडोज़ की मदद से, और विंडोज़ जो था वो डास के मुकाबले में ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके मुताबिक आगे हम देखेंगे कि वो क्यों यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये आपके पास डास की एक स्क्रीन दिखाई गई है, ठीक है। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ रहे हैं इसमें
यही डास का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सामने आपके पास ऑल प्रोग्राम्स पे अगर आप जाएं और उसके बाद एक्सेसरीज पे जाएं, ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके सामने ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से शामिल कर दिया गया है। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता आपके कंप्यूटर को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर की फाइल्स को या डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है, कि dir, ठीक है, तो अब इस वक्त जो करंट डायरेक्टरी है इसमें वो मेरी है सी यूज़र्स खटक और dir, यानी खटक फोल्डर जो है उसके अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज या फाइल होंगी उनकी नेम आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके पास डास का इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आया जो मैं आपको बता रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मिड 1980s बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। यानी कि 1980 के दरमियान में कहीं जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कामयाबी मिली थी इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच इज़ यूज़र फ्रेंडली। अच्छा, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास इसको हम GUI के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, और ये जो है ये डास के मुकाबले में ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, यानी कि ये यूज़र ऑपरेटिंग यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसको यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों माना जाता है, इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये जैसे आपके सामने स्क्रीन पर यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको किसी किस्म की कमांड की टाइप करने की और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जिस काम को भी करना चाहते हैं आपको उसके मुतलका करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं माई कंप्यूटर ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको तो माई कंप्यूटर का फोल्डर जो है वो मेरे सामने, की तरह अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। इसको यानी कि जो विंडोज़ हैं उनको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस वजह से कहा जाता है कि क्योंकि इसमें तमाम कमांड्स को आइकन्स की मदद से रिप्लेस कर दिया गया था और इस वजह से इसमें आपको कमांड्स याद नहीं करनी पड़ती। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द रेलेवेंट आइकन। आइकन जो होते हैं ये बेसिकली आप लोगों के लिए आइकन होते हैं, लेकिन इन आइकन्स के पीछे एक कमांड छुपी हुई होती है। जब आप इनके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो दैट्स मीन्स यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट दैट कमांड विच इज़ हिडन इनसाइड दैट आइकन। क्लियर है, यानी कि जब आप किसी कमांड आइकन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस आइकन के पीछे जो भी कमांड छुपी हुई है उसको एग्जीक्यूट करने का इंस्ट्रक्शन जो है वो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, कहते हैं कि इट आल्सो अलाउज यूज़र टू गिव कमांड्स टू कंप्यूटर थ्रू आइकन्स मैन्यूज एंड बटन्स एट्सेट्रा। यानी इसमें तमाम काम जो है वो जितने भी काम हैं आपके पास कंप्यूटर में, चाहे कॉपी करना है चाहे डिलीट करना है, तो वो तमाम काम जो हैं वो उन कामों के कमांड्स को रिप्लेस कर दिया गया है आइकन्स की मदद से। आइकन्स मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा मेन्यूज की मदद से, जैसे ये मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले हुई है, ठीक है, और बटन्स की मदद से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बटन्स क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ डिलीट, तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये बटन्स हैं। अब अगर मैं येस पे क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा, अगर नो पे क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो विंडोज़ के अंदर तमाम कमांड्स को रिप्लेस कर दिया गया था आइकन्स की मदद से, मेन्यूज़ की मदद से और बटन्स की मदद से। टुडे इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन पीसीज एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पास यही है विंडोज़, जो बहुत सारे
कंप्यूटर्स के ऊपर और लैपटॉप्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिलीज्ड मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ओवर द ईयर्स टू एनहेंस इट्स यूज़र इंटरफेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसे उस दिन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट से लेकर यानी 1995 से लेकर 2010 तक मुख्तलिफ विंडोज़ के वर्जन जो है वो रिलीज़ किए, और इन वर्जन का मकसद सिर्फ एक ही था कि दिन ब दिन अगर आप लोगों ने कहीं विंडोज़ 98 का इंटरफेस देखा हो तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सा था, ठीक है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसका इंटरफेस जो है वो ज़्यादा कलरफुल है, इसके ग्राफिक्स विंडोज़ 98 के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने इंटरफेस को बेहतर बनाना, यानी डिफरेंट वर्जन्स का मकसद एक ही था कि अपने इंटरफेस को बेहतर बनाना और अपने जो विंडोज़ की सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाना। सम पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ इन द पास्ट वर विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलीनियम, विंडोज़ XP एंड विंडोज़ विस्टा एट्सेट्रा। विंडोज़ 10 इंटरफेस इज शोन इन फिगर 1.2, यानी कि आपके बुक में ये जो इंटरफेस दिखाया गया है जिस पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इंटरफेस विंडोज़ 10 का है, और ये जो इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विंडोज़ 7 का है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको हम कहते हैं macOS। macOS के मुतालिक जैसे अभी मैंने आपको बताया कि macOS इज सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवेलप बाय पोटेटो इनकॉर्पोरेशन, यानी कि macOS जो है बेसिकली ये भी एक सीरीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको बनाने वाली जो इनकॉर्पोरेशन है या कंपनी है उसका नाम क्या है, पोटेटो इनकॉर्पोरेशन। Mostly it is installed on all the Apple computers. यानी ज़्यादातर जैसे पहले मैंने आपको बताया कि macOS जो है या Macintosh OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ज़्यादातर Apple computers के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। The latest version is known as OS X. इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम क्या है, OS X है। It is the 10th major release of the Mac ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी इसका 10th सबसे यानी कि मेजर रिलीज है, 10 इस सीरीज़ का 10th रिलीज़ जो है वो OS X है। इट इज़ अ मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर टू विंडोज़। विंडोज़ के मुकाबले में ये जो macOS हैं या Macintosh OS हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी वायरस वगैरह या कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर वगैरह इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। Mac हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क्स टुगेदर वेरी वेल विद मिनिमम फ्लॉज, यानी अगर आपके कंप्यूटर में Macintosh के हार्डवेयर हों यानी एप्पल के हार्डवेयर हों और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने यही इंस्टॉल किया हो, Mac OS इंस्टॉल किया हो, तो वो कंप्यूटर जो होगा वो बहुत कम फ्लॉज के साथ यानी गलतियों के साथ, बहुत कम गलतियों के साथ, बिल्कुल ना होने के बराबर गलतियों के साथ वो काम करेगा। Mac कंप्यूटर इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, डेफिनेटली Mac कंप्यूटर की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ बट मोर एक्सपेंसिव देन IBM कंपेटेबल कंप्यूटर्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जिसकी वजह से ये आम यूज़र्स की पहुंच से बाहर हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ईजीली अवेलेबल फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर एज द OS X हैज अ वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जहाँ पे विंडोज़ को एडवांटेज हासिल है macOS पे वो ये है कि macOS चूँकि बहुत कम यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तादाद जो है वो भी बहुत कम है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग जो है वो विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, Macintosh ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतने डेवलप नहीं किए जाते। द OS X इज़ नॉट अ वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक द विंडोज़, यानी OS X जो है या Macintosh OS जो है ये विंडोज़ की तरह ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। macOS X इंटरफेस इज शोन इन फिगर 1.3, आप देख सकते हैं कि अपनी बुक्स में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास macOS X का इंटरफेस है, ठीक है, यानी Macintosh ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब उसके बाद लास्ट यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास, कहते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप इन अर्ली 1970s एट बेल लेबोरेटरीज रिसर्च सेंटर बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची।
ठीक है, यूनिक्स को कब बना था, ये भी तकरीबन 1970s में बना था, बेल लेबोरेटरीज में, और इसको बनाने वाले दो लोग थे, कैन थॉमसन और डेनिस रिची। ये जो दो लोग हैं इनको आप लोगों ने बड़ा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये वही लोग हैं, कैन थॉमसन और डेनिस रिची, जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी, ठीक है, और फिर बाद में सी प्लस प्लस बनाई थी, और विंडोज़ का जो कंपाइलर था या विंडोज़ जो बनी थी वो भी तकरीबन सी लैंग्वेज की बनी मदद से बनी थी। तो इन्होंने सी लैंग्वेज की मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार किया था जिसको हम यूनिक्स के नाम से जानते हैं। इट वॉज डिवेल्प इन सी लैंग्वेज, जैसे आगे लिखा हुआ है कि यूनिक्स जो है वो सी लैंग्वेज की मदद से बनाई गई थी। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड बेटर सिक्योरिटी देन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब अक्सर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसके एडवांटेज आपके पास तकरीबन यहाँ तक है, ठीक है। नंबर वन है कि इट प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड बेटर सिक्योरिटी देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सबसे पहली जो एडवांटेज है यूनिक्स का विंडोज़ के ऊपर वो ये है कि इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो विंडोज़ की प्रोसेसिंग पावर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। नंबर टू, इसकी सिक्योरिटी जो है वो विंडोज़ के मुकाबले में बहुत बेहतर है, इसके ऊपर मालवेयर या वायरस वगैरह जो है वो इतनी आसानी से अटैक नहीं करता। कंप्यूटर्स रनिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेयरली मालवेयर अटैक, जो अभी मैंने आपको बताया कि जिन कंप्यूटर्स के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो उनके ऊपर मालवेयर अटैक जो है वो बहुत कम होते हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर टू मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, यानी कि ये मैक ओएस की तरह नहीं है कि वो सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल होता है, नहीं, बल्कि इसके अलावा जो आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल है, यानी मेन माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ लेस पॉपुलर ऑन माइक्रो कंप्यूटर ऑन विच विंडोज़ इज़ प्री इंस्टॉल्ड, यानी कि उन कंप्यूटर्स के ऊपर ये लेस पॉपुलर है, कम मशहूर है, जिन कंप्यूटर्स के ऊपर माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर पहले से विंडोज़ इंस्टॉल हो, व्हेन दे आर सोल्ड, जब आप उनको ख़रीदते हैं। यूनिक्स ओएस 390 इंटरफेस इज शोन इन फिगर 1.4, यानी ये जो आपके पास इंटरफेस दिखाया गया है, ठीक है, ये जो इंटरफेस मैंने हाईलाइट किया है ये इंटरफेस आपके पास यूनिक्स ओएस 390 का है, ठीक है। ये बात याद रखिए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए है, यानी कि आम यूज़र्स जो है वो इसको इतनी आसानी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इसके एडवांटेजेस जो हैं वो विंडोज़ के मुकाबले में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसके ऊपर मालवेयर अटैक जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक, इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो यू कैन पोस्ट योर क्यूरीज इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों की तमाम क्यूरीज के आंसर दे सकूँ। थैंक यू, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।